मोदी सरकार पर अपने उद्योगपति मित्रों की मदद का इल्जाम विपक्ष लगाता रहा है। सरकार जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और जिस तरह कुछ उद्योगपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद इन ऐसे आरोपों को और मजबूती मिल जाती है। हालांकि सरकार इन आरोपों को नकारती आई है, लेकिन एक बार फिर उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का मुद्दा उठा है। विवाद का केंद्र इस बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने का विरोध छात्र कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खबर में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी का विरोध हो रहा है। विश्वविद्यालय में नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के खिलाफ मंगलवार को छात्र VC आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। BHU के आला अधिकारी छात्रों को समझाने के लिए मौके पर पहुंच गए और छात्रों की नाराजगी को देखते हुए VC ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। छात्रों के मुताबिक VC राकेश भटनागर ने आश्वासन दिया है कि ऐसे किसी को भी विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर नहीं बनाया जाएगा। आपको बता दें कि BHU के सामाजिक विज्ञान संकाय के महिला अध्ययन और विकास केंद्र की ओर से 12 मार्च को रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। संकाय के डीन कौशल किशोर मिश्रा के मुताबिक नीता अंबानी के अलावा प्रीति अडानी और उषा मित्तल जैसी महिलाओं को भी विजिटिंग प्रोफेसर बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन उसके पहले ही विश्वविद्यालय में इसका विरोध शुरू हो गया। अब देखना होगा कि छात्रों के विरोध के बावजूद क्या नीता अंबानी BHU में पढ़ाने जाती हैं या VC छात्रों की नाराजगी दूर कर पाते हैं। DB Live की रिपोर्ट।